अस्थाई जेल चुनार से खिड़की तोड़कर भागे 25,000 के इनामी अभियुक्त सतीश, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। थाना हलिया पुलिस व स्वर टीम की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त सतीश के दोनों पैरों में लगी गोली। दिनांक 30 जुलाई 2020 को समय 2:30 बजे पर अभियुक्त सतीश व आशीष बिंद अस्थाई जेल की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था, जिनको दिनांक 17 जुलाई 2020 को अस्थाई जेल चुनार पॉलिटेक्निक में निरुद्ध किया गया था। 30 जुलाई को आशीष बिंद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। दिनांक 1 अगस्त 2020 को समय 5:30 बजे थाना हलिया पुलिस व स्वर टीम की संयुक्त कार्रवाई में ड्रमंडगंज व हनुमाना के बीच लहुरिया दहा पहाड़ी पर पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई। सतीश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जो मोटरसाइकिल से छिपकर अपने गृह जनपद रीवा जा रहा था। अभियुक्त सतीश पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी सोनहोरी थाना सुहागी जनपद रीवा मध्य प्रदेश, उम्र 26 वर्ष की, मुठभेड़ में दोनों पैर में गोली लग गई है, जिसको अवैध तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की यह रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में थाना हलिया में प्रभारी निरीक्षक हलिया स्वाट टीम द्वारा 25,000 के इनामी अभियुक्त सतीश के साथ ज्वाइंट कार्रवाई में मुठभेड़ हुई है। अभियुक्त सतीश, जो सातवें किस्म का अपराधी है, 30 तारीख को जेल की खिड़की तोड़ करके भागा था। उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह अभियुक्त मोटरसाइकिल से अपने गृह जन पर रीवा सुहागी के लिए जा रहा था। ड्रमनगंज और हनुमाना के बीच की पहाड़ी में पुलिस मुठभेड़ हुई। 5 अगस्त को ध्यान में रखते हुए लगातार बॉर्डर चेकिंग सील किया गया था। पुलिस पार्टी के रोके जाने पर उसने फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। लालगंज सीएचसी लाया जा रहा है। स्वाट टीम और इंस्पेक्टर हलिया की संयुक्त कार्रवाई में मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ में इसकी गिरफ्तारी की गई है। स्पॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।